यूपी के प्रतिष्ठित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर जेपी पांडे ने अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाना और छात्र, कर्मचारी और अधिकारियों के बीच दमदार संचार तंत्र को स्थापित करना। प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा कि मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय से जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है और ये एक ऐतिहासिक पल है। मदन मोहन तकनीकी विश्वविद्यालय में आपने कुलपति को ज्वाइन किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे ट्रिपल एम के छात्रों को और गोरखपुर जनता को? ये जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर की पावन धरती पर स्थित है और इसका विकास पूरे प्रदेश, देश और विश्व स्तर पर करना है और जो भी छात्र हमारी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं उनको यह संदेश हमारी तरफ से देना चाहता हूँ कि वे इस विश्वविद्यालय के छात्र होने पर गर्व महसूस करें, ये हम लोगों का प्रयास रहे। सब विश्व में माना जाना ट्रिपल एम है, लड़के यहाँ जिसका भी एडमिशन होता है या छात्र वो गर्व से माना जाता है। क्या और कोई संदेश जाएगा कि विश्व में कोई और नया खोज हो या नया प्रारूप आए ट्रिपल एम का? बहुत सारी योजनाएं हैं जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके दृष्टिगत और हमारा जो प्रयास रहेगा और हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि इस विश्वविद्यालय को या तो विश्व पर ले जाया जाए, विश्व में ले जाया जाए, या विश्व को विश्वविद्यालय बनाया जाए और छात्रों को समाज से जोड़ा जाएगा और इससे निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होगा, छात्रों का विकास होगा और जो विश्वविद्यालय में उच्च तकनीकी शिक्षा और जो विज्ञान की शिक्षा और अन्य शिक्षा जो हमारे को मैंडेट मिला हुआ है उसके क्रम में ऐसे विकास करने हैं जो छात्रों को सीधे सीधे लाभान्वित होंगे और समाज उससे लाभान्वित। सर, विश्वविद्यालय कर्मचारियों की समस्या कमी के जूझ रहा है और फंड की कमी से भी जूझ रहा है? फंड की कमी नहीं है विश्वविद्यालय में, फंड की कमी नहीं है और जो कर्मचारियों की क्या समस्या है, क्योंकि आज पहला दिन सर कम संख्याएं हैं, वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है, नए कर्मचारियों को उम्मीद की जा रही है, नए कर्मचारी और बढ़ाए जाए। ऐसा है कि अगर आप आज की डेट में तकनीकी युग को देखेंगे तो कर्मचारियों की संख्या निश्चित तौर पर कम हो रही है, जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं और नए नई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं वो तो एक विषय है और वो शासन स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है और जैसे निर्णय हो जाएगा उसके क्रम में हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं अगर तकनीक का प्रयोग करेंगे तो ये जो संख्या है वो हमारे काम को रोकने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। सब प्रोफेसरों की संख्या कमी ज्यादा है, भर्ती तो करिए लेकिन संख्या अभी भी काफी कम है। प्रोफेसर की संख्या क्योंकि कुछ जो सृजित पद हैं यहाँ पर वो 177 है या 178 है वो है। और ऐसे में संख्या तो सफिशिएंट है, भर्तियाँ नहीं हुई हैं, जो अभी पद सृजित हुए हैं उनकी भर्तियाँ लॉकडाउन के चक्कर में, कोविड के चक्कर में नहीं हो पाई और आने वाले समय में ये कमी पूरी की जाएगी।